नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज टेक पर। दोस्तों आज हम वाराणसी के प्रपोज मेट्रो मैप की बात करेंगे, जिसकी कॉरिडोर वन की शुरुआत दोस्तों नेशनल हाईवे 31 से भेल पर पहला अपना स्टेशन बनाते हुए होगी। भेल के बाद दोस्तों तरना, इसके बाद दोस्तों शिवपुर, इसके बाद चंचा ताल पार करते हुए संगम कॉलोनी पर स्टेशन बनेगा, इसके बाद नेशनल हाईवे 31 होते हुए गिलाद बाज़ार, भोजूबीर और इसके बाद दोस्तों सिकरौल पार करते हुए कलेक्ट्रेट पे एक स्टेशन बनेगा। यहाँ पर दोस्तों सिविल कोर्ट बस स्टॉप बहुत ही नज़दीक होगा। इसके बाद दोस्तों वरुड़ा नदी पार करते हुए नादेसर पे स्टेशन बनेगा और अगला स्टेशन वाराणसी जंक्शन पर बनेगा। यहाँ से दोस्तों वाराणसी अंधारी जंक्शन और अंधारा पुल बस स्टॉप और चौका घाट बस स्टॉप बहुत ही नज़दीक होगा। वाराणसी जंक्शन के बाद दोस्तों काशी विद्यापीठ और सिग्रा होते हुए दोस्तों भेलूपुर पार करते हुए रथ यात्रा पर स्टेशन बनेगा और इसके बाद दोस्तों बेनिया घाट पर स्टेशन बनेगा। कॉरिडोर टू की ब्लू लाइन जो आप देख सकते हैं, ये भी बेनिया घाट पर आकर मिलेगी, जिससे दो लाइनों का एक जंक्शन बनेगा बेनिया घाट पर। बेनिया घाट के बाद दोस्तों काशी विश्वनाथ पर एक स्टेशन बनेगा। काशी विश्वनाथ के बाद दोस्तों गंगा नदी के बगल से ही बंगाली टोला और इसके बाद रत्नाकर पार्क, तुलसी मानस मंदिर, साकेत नगर पार करते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर कॉरिडोर वन की लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉरिडोर टू की, जिसकी शुरुआत दोस्तों सारनाथ पर पहला स्टेशन बनाते हुए होगी। इसके बाद दोस्तों हवेलिया पर अगला स्टेशन बनेगा। इसके दोस्तों नेशनल हाईवे 31 को पार करते हुए अबापुर में, इसके बाद दोस्तों पंचकृषि में और इसके बाद अगला स्टेशन दोस्तों रसूलाबाद पार करते हुए वरुणा नदी को क्रॉस करते हुए दोस्तों जलालीपुरा में बनेगा, जहां से दोस्तों वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक होगा और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही काशी बस डिपोट पे अगला स्टेशन बनेगा। इसके बाद दोस्तों मंचूरी पार्क पर अगला स्टेशन बनेगा और फिर कोतवाली, इसके बाद दोस्तों बेनियाबाग मेट्रो जंक्शन पर कॉरिडोर टू की लाइन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इस मैप को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। और दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम वाराणसी के ऊपर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वाराणसी में आपने क्या बदलाव देखा है।